So in this lecture, I will talk about another type of conjunctions, and that is coordinating conjunctions. So in my previous video, I talked about correlative conjunctions. Today in this lecture, we will discuss coordinating conjunctions. So let's start our topic, coordinating conjunctions. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि coordinating conjunctions होते क्या हैं। Coordinating conjunctions actually वो conjunction होते हैं which link two words or two clauses of equal status. जो conjunctions दो शब्द या दो clauses जो equal status के हैं उन्हें link करते हैं उन्हें हम coordinating conjunction कहते हैं. Equal status का यहाँ meaning क्या है? Equal status means they have their independent meanings. जब दो वर्ड्स का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग्स होता है, जब दो वर्ड्स अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जब दो क्लोजेस अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इंडिपेंडेंट उनका मीनिंग होता है, उनको लिंक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज करते हैं. अब मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, एग्जांपल से आपको ये इक्वल स्टेटस क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, राम एंड मोहन आर प्लेइंग, इसमें कंजक्शन क्या है? एंड. एंड किसको जोड़ रहा है? राम को और मोहन को. अब राम और मोहन दोनों इक्वल स्टेटस के हैं क्योंकि राम भी नाउन है, मोहन भी नाउन है, दोनों नाउन है और दोनों का अपने आप में मीनिंग पूरा है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया? एंड लगाया. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं? इक्वल स्टेटस के दो वर्ड्स और दो क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं. एक और एग्जाम्पल देखिए, He is reading and enjoying. यहाँ पर conjunction कौन सा है? And. किसको जोड़ रहा है? Reading verb को और enjoying verb को. इसमें and क्यों लगा? क्योंकि read भी verb है, enjoy भी verb है. दोनों verbs है, दोनों equal status की है, इसलिए यहाँ पर and लगा. अब मैं आपको एक clauses का भी example दूंगा. The teacher punished him for he didn't complete his homework. अब इस सेंटेंस में जो कंजक्शन है वो कंजक्शन कौन है? फोर कंजक्शन है इसके अंदर. फोर कंजक्शन है. किसको कर रहा है? दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ऐड कर रहा है, जोड़ कर रहा है, लिंक कर रहा है. पहला हमारा क्लोज कौन सा है? द टीचर पनिश्ड हिम. अब ये इंडिपेंडेंट है, ये क्लोज अपने आप में पूरा है. हमारा मन करे तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं. देखो इस क्लोज का मीनिंग अपने आप में पूरा है कि टीचर ने उसे पनिश किया, हमें आगे वाले हिस्से की जरूरत नहीं है, फोर के बाद वाले हिस्से की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस क्लोज इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. तो ये इंडिपेंडेंट है. अब फोर इसमें क्या दिया? हमारा लिंकर है. अब फोर के बाद हमारे को कौन सा दूसरा क्लोज दिया हुआ है? He didn't complete his homework. अब he didn't complete his homework, ये दूसरा क्लोज है. अब देखो ये अपने आप में भी पूरा है, इसमें हमें किसी की जरूरत नहीं है. He didn't complete his homework, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, ये क्लोज भी अपने आप में पूरा है. तो the teacher punished him, टीचर ने उसको पनिश किया, ये अपने आप में पूरा है, ये क्लोज. He didn't complete his homework, ये क्लोज भी अपने आप में पूरा है. तो फोर क्या कर रहा है? दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को, दो कंप्लीट क्लोजेस को आपस में लिंक कर रहा है. यही काम करता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लिंक्स टू वर्ड्स और टू क्लोजेस ऑफ इक्वल स्टेटस. इक्वल स्टेटस स्टैंड्स फॉर हैविंग कंप्लीट मीनिंग. जिन वर्ड्स का पूरा मीनिंग होता है, जिन वर्ड्स और क्लोजेस का इंडिपेंडेंट मीनिंग्स होता है, उनको ये लिंक करता है. तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने होते हैं? एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, वो काफी होते हैं. लेकिन उसमें आपको जो मेन जो हमारे सेवन माने जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो आप एक फॉर्मूले से याद कर सकते हो. फैन बॉयज ऐसे आप याद कर सकते हो. F stand for for, A stand for and, N stand for nor, B stand for but, O stand for or, Y stand for yet, S stand for so. तो ये इसके फुल फॉर्म होती है, fan boys acronym.
तो फैन बॉयज के द्वारा हम सारे सेवन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को जो मेनली यूज किए जाते हैं उनको हम याद कर सकते हैं. तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वन. अब हम आगे चल के इस एक लिंकर एक एक कंजक्शन की बात करेंगे कि ये यूज कहां होता है. सबसे पहले हम करते हैं फोर. फोर किस लिए यूज होता है? एक्चुअली द लिंकर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फोर इज यूज टू टेल रीजन. जब हम रीजन बताना चाहते हैं तब हम कौन सा लिंकर यूज करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग लिंकर फोर यूज करते हैं टू शो रीजन, टू टेल रीजन. एग्जाम्पल देखिए, ही फेल्ड कॉमा फोर ही डिडंट स्टडी. देखो जब आप फोर को एज कंजक्शन यूज करते हो तो फोर से पहले हमेशा कोमा लगेगा, ये ध्यान रखना. ठीक है, कि जब भी फोर को एज ए कंजक्शन यूज किया जाता है तो उससे पहले हमेशा क्या लगता है? कोमा. अब यहाँ पे रीजन बता रहा है, ही फेल्ड, वो फेल हो गया. क्या रीजन था? फोर, क्योंकि ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की. क्लियर? तो फोर क्या बता रहा है? रीजन बताने के लिए फोर का हम यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फोर का यूज करते हैं. और जब भी हम फोर का प्रयोग रीजन बताने के लिए करते हैं तो उसके आगे हमेशा कॉमा लगता है, ये आपको ध्यान रखना है. दूसरा सेंटेंस देखिए, ही मिस्ड द बस, उसने बस मिस कर दी. फोर, क्योंकि ही डिडंट रीच द बस स्टैंड इन टाइम, क्योंकि वो बस स्टैंड टाइम पर नहीं पहुंचा. तो यहाँ भी रीजन है, बस क्यों मिस की? क्योंकि वो बस स्टैंड टाइम पे नहीं पहुंचा. तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया? फोर लगाया. तो ये आपने ध्यान रखना है, फोर इज यूज टू शो रीजन. और जब रीजन के लिए फोर यूज होता है तो उससे पहले कोमा लगता है. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ फोर. नेक्स्ट इज एंड. अब एंड कहां यूज होता है? एंड का मीनिंग और होता है. एक्चुअली एंड इज यूज टू शो एडिशन. जब हम कोई चीज एड करना चाहते हैं तो हम एंड लगाते हैं. जैसे हमने क्या कहा था, राम एंड श्याम आर प्लेइंग. तो राम के साथ हम श्याम को भी ऐड करना चाहते थे तो हमने एंड लगाया. ठीक है, जोड़ना चाहते थे, राम एंड श्याम आर प्लेइंग. तो टू शो एडिशन, तो कोई चीज ऐड करने के लिए हम एंड लगाते हैं. जैसे हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, हम क्या कहते हैं? आई परचेज ए पेन, अ पेंसिल एंड अ रबर. अब हम रबर ऐड करना चाहते हैं तो एंड लगा देते हैं. ठीक है, तो ये देखिए, ही परचेज्ड अ पेन, अ पेंसिल एंड रबर. तो हमने रबर और ऐड करनी थी, जो चीजें खरीदी थी उनमें रबर और ऐड करनी थी तो हमने एंड लगा दिया. तो ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, एडिशन के लिए हम कुछ और लिंकर भी यूज करते हैं जिनको मैंने कोरिलेटिव कंजक्शन में यूज किया था, वो भी एडिशन के लिए यूज होते हैं. तो आप एंड की जगह पर उन लिंकर को भी यूज कर सकते हो. जैसे आप बोथ और एंड भी यूज कर सकते हो, जो मैंने कोरिलेटिव कंजक्शन में आपको बताया. जैसे बोथ मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये भी एडिशन के लिए यूज होते हैं कि मोहन और सोहन दोनों खेल रहे हैं. तो आप एंड की जगह बोथ और एंड भी लगा सकते हो. एंड की जगह आप नॉट ओनली बट आल्सो भी लगा सकते हो, सिर्फ एडिशन के लिए. ध्यान रखिए, ये भी मैंने आपको कोरिलेटिव कंजक्शन में करवाया था, न केवल यह बल्कि वह भी. जैसे फॉर एग्जांपल, नॉट ओनली राम बट आल्सो राहुल इज सिंगिंग ए सॉन्ग. ठीक है, तो ये सेम ही मीनिंग है. आप ये भी कह सकते हो बोथ राम एंड राहुल आर सिंगिंग ए सॉन्ग. आप ये भी कह सकते हो राम एंड राहुल आर सिंगिंग ए सॉन्ग. और नॉट ओनली बट आल्सो में मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें जो वर्ब है वो बट आल्सो के बाद जो नाउन प्रनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग लगती है. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना. इसी प्रकार हम नो लेस देन भी यूज कर सकते हैं, ये भी एंड की तरह ही यूज कर सकते हैं टू शो एडिशन. जैसे आई लव सचिन नो लेस देन राहुल, मीन्स मैं सचिन और राहुल दोनों से प्यार करता हूं. नो लेस देन का मतलब होता है कम नहीं, मीन्स मैं सचिन को राहुल से कम प्यार नहीं करता. कहना क्या चाहती है कि मैं सचिन और राहुल दोनों से प्यार करता हूं. तो आप सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हो, आई लव सचिन एंड राहुल. ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, आई लव बोथ सचिन एंड राहुल.
आप ऐसे भी बना सकते हो, आई लव नॉट ओनली सचिन बट ऑल्सो राहुल, ठीक है, आई लव सचिन नो लेस देन राहुल, तो ये सारे एक ही है, तो ये सारे जो लिंकर हैं, ये एडिशन के लिए यूज होते हैं। एक और यूज होता है एज वेल एज अलोंग विद, एज वेल एज का मतलब होता है के साथ, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, ये भी एडिशन के लिए लगता है, जैसे सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन एज वेल एज और अलोंग विद में आपको क्या ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, जब एज वेल एज और अलोंग विद आए ना, तो वर्ब जो हमारी वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एज वेल अलोंग विद से पहले वाले, तो यहाँ एज वेल से पहले क्या दिया हुआ, सचिन दिया हुआ, तो सचिन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है कि एज वेल अलोंग विद जब दो नाउन को जोड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए यहां मैंने इज यूज किया है, ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग फुटबॉल, या आप एज वेल एज की जगह एंड भी लगा सकते हो, सचिन एंड हिज फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर आर आ जाएगा, आर प्लेइंग फुटबॉल, बोथ और एंड लगा सकते हो, बोथ सचिन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग फुटबॉल, आप नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लगा सकते हो, नॉट ओनली सचिन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग फुटबॉल, आप नो लेस देन भी लगा सकते हो, सचिन नो लेस देन हिज फ्रेंड्स, ठीक है, आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। एडिशन के लिए हम एंड की जगह बोथ एंड भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर सकते हैं, नो लेस देन यूज कर सकते हैं, एज वेल एज अलोंग विद, हम ये सारे लिंक कंजक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है, द चीफ मिनिस्टर अलोंग विद हिज मेंबर्स हैज रीच्ड, ये आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, तो यहाँ अलोंग विद आया, तो यहाँ पर जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग लगेगी, चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है, तो हमने वर्ब क्या लगाई, हैज लगाई, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर एडिशन। एंड के कुछ और यूजेस भी होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला यूज, दूसरा यूज क्या होता है एंड का, टू लिंक टू एक्शन हैपनिंग वन आफ्टर अनदर, अगर दो एक्शन एक के बाद दूसरा एक्शन तुरंत होता है, मान लो पहला एक्शन हुआ उसके तुरंत बाद कोई दूसरा एक्शन हो गया, तो उनको लिंक करने के लिए भी हम एंड लगाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टू लिंक टू एक्शन हैपनिंग वन आफ्टर अनदर, एग्जांपल देखिए, ही एंटर्ड द रूम एंड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, देखो पहला एक्शन क्या है, कमरे में प्रवेश करना, दूसरा एक्शन उसके बाद ही हो रहा है, जैसे ही कमरे में प्रवेश किया उसने टीवी देखना शुरू कर दिया, क्योंकि टीवी चल रहा था, तो क्या हो गया, He entered the room and started watching TV. तो इसमें जो दूसरा एक्शन है वो पहले एक्शन के तुरंत बाद हो रहा है, तो इसलिए हम एंड लगाते हैं। एक और किस लिए एंड का बताते हैं, एंड इसलिए भी लगता है, टू शो पॉजिटिव रिजल्ट, अगर हमारे एफर्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो भी एंड लगता है। कैसे पॉजिटिव रिजल्ट, जरा ध्यान से सुनिए, जैसे किसी ने कड़ी मेहनत की और वो पास हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट, ही वर्क्ड हार्ड एंड पास्ड, तो यहां पर पहले एक्शन का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, कड़ी मेहनत की पास हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट है, तो एंड लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड के दो यूज और भी होते हैं कॉम से, टू लिंक टू एक्शंस हैपनिंग वन आफ्टर अनदर, अगर एक के बाद दूसरा एक्शन तुरंत होता है तो हम एंड लगाते हैं, और दूसरा अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है किसी एक्शन का तो भी हम एंड लगाते हैं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड। नाउ कम टू नोर, नोर एक्चुअली यूजली ये नीदर के साथ यूज होता है, ये मैंने अपनी कोरिलेटिव वाले वीडियो में भी बताया है, नीदर नोर, नीदर नोर का मतलब होता है ना यह है ना वह है, ये नीदर के साथ यूज होता है, और नीदर नोर किसके लिए यूज होते हैं, ये नीदर के साथ ऑफन यूज होता है, और नीदर नोर किसके लिए यूज होता है, फॉर टू पर्सन और थिंग्स, ये मैंने आपको बताया था, और इसका मीनिंग क्या होता है, नो आउट ऑफ, नो वन आउट ऑफ टू, मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, इसका ऑपोजिट होता है इधर और, इधर और का मतलब क्या होता है, या यह है या वह है, इधर और का, इधर और भी किस लिए यूज करते हैं, फॉर टू पर्सन और टू थिंग्स, लेकिन इधर और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, और नीदर नोर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं,
तो यहाँ हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ये मैंने कोरिलेटिव कंजक्शन में भी आपको बताया था। जरा एग्जांपल देखिए, ही लाइक्स नीदर कॉफी नॉर टी, मींस वो ना तो कॉफी पसंद करता है ना ही टी, दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करता, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, नीदर राम नोर मोहन, तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो नोर के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, मोहन सिंगुलर है तो यहाँ वॉज आई, वॉज देयर, इसका मतलब वहां पर ना ही राम था ना ही मोहन था। ठीक है, नीदर ही नोर आई हैव गॉन देयर, तो देखो यहाँ वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेकेंड नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो नॉर के बाद हमारा प्रोनाउन आई आया हुआ है, तो उसके साथ कौन सी वर्ब लगी, हैव, क्योंकि हैव किसके साथ लगता है, आई एन प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका मीनिंग क्या है, ना तो वह और ना मैं, हम दोनों में से कोई भी वहां पर नहीं गया, तो ये नोर हम ऐसे यूज करते हैं, मोर ऑफन वी यूज इट विद नीदर, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आल्सो, एंड दैट इज नोर। नेक्स्ट इज बट, मैं उस सीक्वेंस में आपको करवा रहा हूं, फैन बॉयज के सीक्वेंस में, तो चौथा हमारा था बी, तो बी स्टैंड फॉर बट, अब बट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर हाउएवर यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, बट मैंने परंतु होता है, हाउएवर मैंने लेकिन होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, बट इसलिए लगता है टू शो ऑपोजिट रिजल्ट, जब पॉजिटिव रिजल्ट आए तो एंड लगता है और जब ऑपोजिट रिजल्ट आए तो बट लगता है, ये आपको ध्यान रखना। मान लो किसी ने कड़ी मेहनत की और वो फेल हो गया, तो रिजल्ट ऑपोजिट आया, कड़ी मेहनत की तो उसको पास हो जाना चाहिए था, अब ऑपोजिट रिजल्ट आया तो बट लगेगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, तो रिजल्ट ऑपोजिट था, उसने कड़ी मेहनत की परंतु फेल हो गया, तो ध्यान रखना जब ऑपोजिट रिजल्ट आए तो बट आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आए तो एंड आएगा। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, बट लॉस्ट द रेस, फिर भी क्या जी, रेस हार गया, ऑपोजिट रिजल्ट आया, ये आपको ध्यान रखना। He learned the question, उसने क्वेश्चन याद किया but forgot it, लेकिन भूल गया, अब क्वेश्चन याद किया तो उसको भूलना नहीं चाहिए था, ऑपोजिट रिजल्ट हुआ, भूल गया but forgot it, तो ये आपको ध्यान रखना। एक हाउएवर वाला एग्जाम्पल भी दिया है, He worked hard, उसने कड़ी मेहनत की, हाउएवर ही डिडंट पास, अब कड़ी मेहनत की तो उसको पास होना चाहिए था लेकिन पास नहीं हुआ, तो हमने हाउएवर लगाया, तो आप बट की जगह हाउएवर भी लगा सकते हो, सेम ही मीनिंग होता है, तो दोनों किस लिए यूज होते हैं, ऑपोजिट रिजल्ट शो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ओर, जो हमारा फिफ्थ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था ओर, अब ओर के भी एंड की तरह कुछ यूजेज होते हैं, पहला इसका जो यूज होता है वो होता है टू शो चॉइस, चॉइस दिखाने के लिए। ठीक है, ओर ऑफन ईदर के साथ है, ये मैंने कोरिलेटिव में बताया था, इधर और किसके लिए लगते हैं, फॉर टू पर्सन और थिंग्स के लिए, ये आपको पता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, और इधर और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, वन आउट ऑफ टू। ठीक है, तो ये क्या दिखाते हैं, चॉइस दिखाते हैं, दोनों में से कोई एक, और यहाँ पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सेकेंड नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ये मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। अब एग्जाम्पल देखिए, इधर रोहन और सोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग, और के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग, सोहन सिंगुलर है तो हमने वर्ब क्या लगाई, सिंगुलर लगाई। कहना क्या चाहते हैं कि फुटबॉल कौन खेल रहा है, या तो रोहन खेल रहा है या सोहन खेल रहा है, दोनों में से कोई एक फुटबॉल खेल रहा है, इसका मीनिंग ये है, चॉइस दिखाने के लिए। जैसे इधर ही और आई एम एंजॉयिंग पिज्जा, तो यहाँ पर एम लगा वर्ब, एम क्यों लगा, क्योंकि सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगी, और के बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आई आया, आई के साथ एम लगता है, तो हमने एम लगाया, तो ये आपने चीजें ध्यान रखनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीजें ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो जा वो इधर ही और आई, जा तो वो या मैं पिज्जा खा रहे हैं, दोनों में से कोई एक खा रहा है, इसका मीनिंग ये है, तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ही विल एंजॉय जूस और कॉफी, मींस वो दोनों में से एक पिएगा, या तो कॉफी पिएगा या जूस पिएगा, तो चॉइस दिखाने के लिए कि दोनों में से आप कौन सी चीज को पसंद करोगे। ठीक है, तो ये और है, और का एक और यूज भी होता है,
तो वहां पर और की जगह हम एल्स भी लगाते हैं, अदरवाइज भी लगाते हैं, ये इसलिए होता है टू गिव वार्निंग, किसी को चेतावनी देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हम कई बार क्या कहते हैं अपनी रियल लाइफ में, अपने फ्रेंड को कहते हैं पढ़ ले, नहीं तो तू क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और का मीनिंग यहाँ होता है अन्यथा, एल्प्स का मीनिंग होता है अन्यथा, अदरवाइज का मीनिंग होता है अन्यथा, ठीक है। नहीं तो भी हम यूज करते हैं, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, तो हम उसको वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये ऑप्शन ही दिखाती है, बट वार्निंग वाला इजी है रूल, आप ध्यान रखना। जैसे वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत कर, अब देखो मैंने ये तीनों चीजें लगा रखी है, अब यहाँ पर आप और भी लगा सकते हो, एल्स भी लगा सकते हो, अदरवाइज भी लगा सकते हो, तीनों करेक्ट हैं। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, अन्यथा यू विल फेल इन द एग्जाम, अदरवाइज आप एग्जाम में क्या हो जाओगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस रूल का एक हिंट भी है, क्या हिंट है कि आपको खालिस्तान के एक तरफ क्या मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट में हम क्या यूज करते हैं, विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ब्लैंक के दूसरी तरफ आपको कौन सा सेंटेंस मिलेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आई थिंक आप जानते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस किस लिए यूज होता है, टू गिव ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, उसके लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वॉटर, ओपन द डोर, ठीक है, वर्क हार्ड, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ब्लैंक के बिगिनिंग में आपको इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा और ब्लैंक के बाद आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया होगा। कभी आपको किसी सेंटेंस में अगर ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि ब्लैंक से पहले इंपेरेटिव सेंटेंस और ब्लैंक के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो 99% वहां पर ओ, एल्स या अदरवाइज आएगा, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो आप तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे और भी लगा सकते हो, एल्स भी लगा सकते हो, अदरवाइज भी लगा सकते हो, सेम मीनिंग है, अन्यथा तेज दौड़ो, नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे। देखो वही फिर बात आई, ब्लैंक के बाद आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है और ब्लैंक से पहले आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसमें 99% अगर ऑप्शन में आपको और दिया हुआ है या एल्स दिया हुआ है या अदरवाइज दिया हुआ है, तो उनमें से कोई एक लगता है, टू गिव वार्निंग, ठीक है। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ओ, एल्स एंड अदरवाइज। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, हमारा जो फैन बॉयज का जो छठा तो था वो हमारा यट था। यहाँ पर आप यट भी लगा सकते हो, स्टिल भी लगा सकते हो, नेवरदलेस भी लगा सकते हो, सेम मीनिंग होते हैं। यट मैंने फिर भी, स्टिल मैंने भी क्या होता है फिर भी, नेवरदलेस का मतलब भी क्या होता है फिर भी, ठीक है। तो ये किस लिए आते हैं, यट लगता है टू शो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम यट, स्टिल और नेवरदलेस लगते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये कहा कि कोई आदमी अमीर है फिर भी वो कंजूस है, तो कॉन्ट्रास्ट है ना। अब अमीर है तो खुले दिल वाला होना चाहिए लेकिन कंजूस है, तो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट है तो क्या लगाएंगे, यट लगाएंगे, ठीक है। देखिए, ही वर्क्ड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, ही डिडंट पास, फिर भी पास नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रास्ट आ गया भाई। ही वर्क्ड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की थी तो उसे पास हो जाना चाहिए था लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो क्या आया, ही डिडंट पास, कॉन्ट्रास्ट आ गया। तो यहाँ पर आप यट, स्टिल, नेवरदलेस, यहाँ पे आप बट भी लगा सकते हो, हमने बट भी किया था, बट किस लिए दिखाता है, ऑपोजिट रिजल्ट को, बट भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। ही वर्क्ड हार्ड बट ही डिडंट पास, ही वर्क्ड हार्ड येट ही डिडंट पास, ही वर्क्ड हार्ड स्टिल ही डिडंट पास, ही वर्क्ड हार्ड नेवरदलेस ही डिडंट पास, ही वर्क्ड हार्ड हाउएवर ही डिडंट पास, हाउएवर, ये सारे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि बट भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, येट स्टिल नेवरदलेस ये भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं, ऑपोजिट रिजल्ट को दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, ही प्लेड वेल, वो अच्छा खेला, अगर अच्छा खेला तो उसे मैच जीत जाना चाहिए था लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, ही लॉस्ट द मैच, ऑपोजिट रिजल्ट आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, येट ही प्लेड वेल, वो अच्छा खेला फिर भी मैच हार गया, स्टिल ही लॉस्ट द मैच, फिर भी वो मैच हार गया, नेवरदलेस, फिर भी वो मैच हार गया, तो आप यहाँ पर
ये तीन भी लगा सकते हो, यहाँ पे बट भी लगा सकते हो, हाउएवर भी लगा सकते हो, लगभग सेम है, ठीक है। ही इज रिच, वो अमीर है। अब अमीर है तो उसको खुले दिल वाला होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिट क्या है, ही इज माइजर, वो कंजूस है। तो ऑपोजिट है, तो यहां पर आप येट, स्टिल, नेवरदलेस कुछ भी लगा सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम हमारे एक कॉन्ट्रास्ट के लिए वेयर एज भी लगता है। वेयर एज मैंने क्या होता है, यद्यपि, ये भी कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। जैसे ये देखिए, माय एल्डर सिस्टर इज इंटेलिजेंट, मेरी जो बड़ी बहन है वो इंटेलिजेंट है। वेयर एज माय यंगर ब्रदर इज डल, जबकि मेरा जो छोटा भाई है वो पढ़ाई में इतना होशियार नहीं है। देखो कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, बड़ी बहन इंटेलिजेंट है जबकि छोटा भाई इंटेलिजेंट नहीं है। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए वेयर एज भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये लिंकर भी, यू मस्ट कंजक्शन, यू मस्ट नो। अब हम अपना हमारा लास्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करते हैं, हैं बॉयज में एस, एस स्टैंड फॉर सो, सो भी लगा सकते हो आप, देयर फॉर भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब होता है इसलिए। ये दोनों किस लिए शो करते हैं, टू शो रिजल्ट, रिजल्ट दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेरी इल, वो बहुत बीमार है। अब उसका परिणाम क्या है, ही कांट वॉक, वो चल नहीं सकता। तो बीमार होने का, बहुत बीमार होने का रिजल्ट क्या हुआ कि वो चल नहीं सकता। तो ही इज वेरी इल कॉमा, यहां भी कॉमा लगाते हैं, ये ध्यान रखना। आपने देखा होगा कॉमा, जो भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज कर रहे हैं उससे पहले कॉमा लग रहा है, ठीक है। जैसे हमने बट में लगाया, यट में लगाया, ठीक है। तो ही इज वेरी इल कॉमा सो, इसलिए he can't walk, वो चल नहीं सकता। Therefore, इसलिए he can't walk, यहाँ result आ रहा है। Result के लिए आप दो और linker भी use कर सकते हो, consequently, subsequently। Consequently का मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप, और subsequently का मतलब भी क्या होता है, परिणाम स्वरूप। आप ये linker भी use कर सकते हो, ये भी result को show करते हैं। For example, he didn't work hard, उसने कड़ी मेहनत नहीं की, उसका परिणाम क्या हुआ, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, ठीक है। तो ही डिडंट वर्क हार्ड कॉमा, कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, जो आपका मन करे वो आप लगा सकते हो, परिणाम स्वरूप ही फेल्ड, ठीक है। सो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इफ यू लाइक माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and relatives, and if you have any question, feel free to ask your question in the comment section. In the comment section, you can send your doubt. I will try my level best to clear your doubt.